संसद भवन में जमकर हंगामा हुआ था। अभी जो मानो बिहार सरकार ने लालू और तेजस्वी भी कई बार हमला करते रहे कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी व अंबानी को आयकर किया। अब बिहार सरकार अडानी को ही प्रीपेड मीटर लगाने का और 70 एकड़ जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री खोलने का ऑफर दे दिया है। यही तो समझना होगा बिहार सरकार का दोहरा चरित्र भाई। और घमंडिया गठबंधन में जो भी हैं, आप राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले और अब बिहार की बात कर ले, हर जगह अडानी को दिया जाता है ठेके पे काम। लेकिन जब बात आएगी उनका विरोध करने के लिए तो संसद में खड़ा होकर संसद का काम ये ठप कर देते हैं। तो कहते हैं ना कि अपने पे आए तो तौबा तौबा, दूसरे पे आए तो तोहमत लगाते हैं आप। ये बिल्कुल इनका दोगला चरित्र है जो कि बार बार दृष्टिगोचर हो जाता है। और मैं फिर से कहूँगा कि ये बस केवल इल्ज़ाम लगाते हैं। गौतम अडानी जी देशभक्त आदमी हैं, काम करते हैं, इसलिए इन लोगों को मालूम है, इसलिए ये काम दिया जाता है इनको। सुशील मोदी ने कहा है कि इनको रद्द करना चाहिए, क्या आप भाई सीधी सी बात है कि अगर बिहार सरकार अगर ये मानती है कि गौतम अडानी अडानी ग्रुप जो है वो गलत काम करता है, तो भाई आपने उनको ठेका क्यों दिया? और ठेका दिया है तो भैया घमंडिया गठबंधन से आप पूछ के बताइए कि बॉस ये दोहरा चित्र क्यों अपनाते हैं? आपको दिया नहीं चाहिए था और आपने दे दिया है तो रद्द कर दीजिए। सुशील मोदी ने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि इनको मालूम है कि गौतम अडानी या अडानी ग्रुप जो है वो बिल्कुल तर्कसंगत काम होता है, बढ़िया काम करता है।